नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 19 मई को प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं और ज़्यादातर जगह हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। तो आज 19 तारीख की रात से जो है वर्षण में और वृद्धि की संभावना है। तो 19 की शाम से लेकर के अगले 24 घंटों में उत्तराखंड में ज़्यादातर जगह जो है मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो उत्तराखंड के मैदानी जिले हैं और पहाड़ी पर्वती जिले हैं, वहाँ पे कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। तो आज शाम से लेकर अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर तेज झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद जो है 21 तारीख से वर्षण में काफ़ी कमी हो जाएगी और केवल जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर कुमाऊं जो रीजन है, वहाँ पे कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और 22 तारीख को जो है वर्षण में और अधिक कमी रहेगी और केवल जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। धन्यवाद।